Hello students, welcome to NCERT exercises solution series. In the previous episode, we have finished till question number 5 of exercise 7.11. Here we are going to start from question number 6 onwards. So let's start the lecture with the motivational curve. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स देखेंगे ये भी हमारा मॉडुलस फंक्शन है हमने जैसे लास्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ किया था सेम उसी तरह से इस क्वेश्चन को भी प्रोसीड करेंगे तो देखते हैं हम इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे भी हम मॉडुलस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे तो मैं ये पहले मैं इसका जीरोज़ निकालूंगी इसका ज़ीरोज़ मेरा क्या आएगा फ़ाइव तो मैं क्या कह सकती हूँ यहाँ पर जो मेरा एक्स माइनस फाइव है दैट इज़ लेस देन इक्वल टू ज़ीरो ऑन किस पर टू से फाइव क्लोज इंटरवल एंड एक्स माइनस फाइव इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो ऑन फाइव फाइव टू टू फाइव टू एट तो देखिए अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ एक्स माइनस फाइव डी एक्स लेस देन ज़ीरो है नेगेटिव आएगा टू टू फाइव में एंड एफ एक्स जो है फाइव टू एट में पॉजिटिव है इसलिए प्लस साइन लगाएंगे नेगेटिव है तो माइनस साइन ओके अब देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व कर लेते हैं इसका इंटीग्रल होगा मेरा एक्सक्वेयर बाय टू माइनस फाइव एक्स टू टू फाइव एंड हेयर इट इज़ एक्स स्क्वेयर बाय टू माइनस फाइव एक्स फाइव टू एट नाउ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सो इट विल बिकम ट्वेंटी फाइव बाई टू माइनस ट्वेंटी फाइव दिस इज माई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट विल बी फोर बाय टू माइनस टेन ये मेरी लोअर लिमिट मैंने क्या किया एक्स को फाइव से रिप्लेस किया एंड देन एक्स को मैंने टू से रिप्लेस किया प्लस हेयर ऑल्सो सिक्सटी फोर बाय टू माइनस फोर्टी एट का स्क्वायर एट इन फाइव इंटू एट ओके फोर्टी माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ट्वेंटी फाइव बाई टू माइनस ट्वेंटी फाइव फाइव इंटू फाइव अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट नौ बस अब हमें इसे सॉल्व कर लेना है माइनस सो इट इज़ ट्वेंटी फाइव बाई टू माइनस ट्वेंटी फाइव दिस इज़ योर टू टू माइनस टेन ओके तो माइनस एट प्लस एट होगा ये मेरा बिकॉज़ यहाँ मुझे माइनस एट मिलेगा ओके एंड हेयर इट इज़ थर्टी टू क्योंकि ऑलरेडी प्लस है तो साइन चेंज होगा नहीं तो मैं सेम साइन के साथ ले सकती हूँ एंड इट इज़ माइनस फोर्टी एंड माइनस ट्वेंटी फाइव बाई टू एंड ये मेरा यहाँ पे नेगेटिव है तो दिस बिकम्स ट्वेंट प्लस ट्वेंटी फाइव ओके तो अब देख सकते हैं यहाँ पर बहुत इजी हो गई आपकी कैलकुलेशन यहाँ पर मेरा अच्छा सॉरी यहाँ पर मेरे पास क्या है ये नेगेटिव साइन भी है तो यहाँ मेरे को ब्रैकेट एक यूज़ करना चाहिए ठीक है और ये मेरा सारा ये मेरा इस वाले पार्ट का पार्ट है अब देखिए इस वाले टर्म का पार्ट था और इसको अगर मैं सॉल्व करूंगी तो मैं अब क्या लिख सकती हूँ आई सी क्स जो माइनस ट्वेंटी फाइव बाई टू अच्छा यहाँ पे जो है वही मैंने जो लास्ट क्वेश्चन मैंने प्रॉपर्टी यूज़ की थी आ, कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है ए टू ए टू सी एंड सी टू बी यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी का यूज़ किया है जो कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था सेम अभी मैंने इसको लिख के मेंशन नहीं किया है तो ध्यान रखिएगा तो ये कैसे मेरा ये स्प्लिट होगा ठीक है तो प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे प्लस ट्वेंटी फाइव ओके प्लस ट्वेंटी फाइव माइनस एट एंड हेयर इट इज़ प्लस थर्टी टू माइनस फोर्टी माइनस ट्वेंटी फाइव बाय टू प्लस ट्वेंटी फाइव अब देख लेते हैं ज़रा सॉल्व करके ये मेरे पास क्या हो जाएगा ट्वेंटी फाइव एंड ट्वेंटी फाइव विल बी फिफ्टी और ये मेरा क्या हो जाएगा <coughs> ये ट्वेंटी फाइव एंड ट्वेंटी फाइव ये फिफ्टी बाय टू माइनस फिफ्टी बाय टू दैट इज़ दैट इज़ माइनस ट्वेंटी फाइव और ये मेरा ट्वेंटी फाइव है और ये माइनस एट यहाँ पे भी मुझे ये माइनस एट मिलेगा ठीक है एंड प्लस ट्वेंटी फाइव तो यहाँ पे मेरा एक ट्वेंटी फाइव कैंसिल हो जाएगा तो माइनस सिक्सटीन प्लस ट्वेंटी फाइव बचेगा मेरे पास तो मेरे पास आई क्या हो जाएगा नाइन तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन सेवन हमारे पास क्या है आई इक्वल्स टू जीरो टू वन एक्स वन माइनस एक्स टू दी एक्स देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे मैं ज़ीरो टू ए की प्रॉपर्टी यूज़ करने जा रही हूँ जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स विच इज़ ज़ीरो टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स ठीक है अभी तक मैंने आपको दो प्रॉपर्टीजें सिर्फ बताई है एक प्रॉपर्टी जो मैंने अभी इससे प्रीवियस क्वेश्चन में यूज़ किया था जीरो टू ज़ीरो टू ए और उसके बीच में अगर कोई अगर हमारे पास है टर्म सी तो स्प्लिट करने के लिए और बाकी ये प्रॉपर्टी अभी तक हम इस एक्सरसाइज में यूज़ करते आए हैं तो अगर हम ये यूज़ करेंगे तो यहाँ पे मुझे एक्स को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा वन माइनस एक्स से और यहाँ भी एक्स को मुझे किससे रिप्लेस करना पड़ेगा वन माइनस एक्स से देखिए ध्यान से उसके बाद ज़ीरो टू वन वन माइनस एक्स ये क्या हो जाएगा मेरा वन माइनस ये हो जाएगा मेरे पास एक्स टेस्ट टू पावर एन डी एक्स फ़ायदा क्या हुआ इस प्रॉपर्टी का यूज़ करने का हम अब इसको ईजिली इंटीग्रेट कर सकते हैं देखिए कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं अब हम इसको ज़ीरो टू वन एक्स रेस टू एन माइनस एक्स रेस टू एन प्लस वन डी एक्स ठीक है अब देखिए इसका इंटीग्रेशन कितना ईजी हो गया एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन माइनस एक्स रेस टू एन प्लस टू अपॉन एन प्लस टू नॉर्मल इसका इंटीग्रेशन कर दिया नाउ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे एक्स रेस टू पार एन का इंटीग्रेशन नॉर्मल किया है यहाँ पे एन मेरा एन प्लस वन है तो इट बिकम्स एन प्लस वन प्लस वन विच इज एन प्लस टू ओके नाउ आई इज इक्वल्स टू अपर लिमिट रिप्लेस एक्स विथ वन एंड देन जीरो तो वन से रिप्लेस करेंगे एक्स को तो वन टू दी पार एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन माइनस वन टू दी पार एन प्लस टू अपॉन एन प्लस टू एन जीरो पुट करेंगे तो सब कुछ मेरा ज़ीरो हो जाएगा तो हाँ मैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट विल बी ज़ीरो ओनली सो आई विल बी वन अपॉन एन प्लस वन माइनस वन अपॉन एन प्लस टू बिकॉज वन रेज टू पार एन इज़ ओनली वन ओके नाउ एन प्लस वन एन प्लस टू एन प्लस टू एन प्लस वन एल्सियम लेके सॉल्व करेंगे एन प्लस टू माइनस एन माइनस वन एन प्लस वन एन प्लस टू सो आई विल बी माय वन अपॉन एन प्लस वन एन प्लस टू सो ये मेरा आंसर हो जाएगा तो यहाँ मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की जीरो टू एफ एक्स टी एक्स की प्रॉपर्टी यूज़ की है स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर एट सो so, यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन है जीरो टू पाई बाय फोर लॉग वन प्लस टेन एक्स डी एक्स राइट यहाँ भी मैं ज़ीरो टू एक की सेम प्रॉपर्टी यूज़ कर दे सकती हूँ तो मैं लिखूंगी यहाँ पे यूजिंग प्रॉपर्टी तो मेरे पास क्या हो जाएगा जीरो टू पाई बाय फोर लॉग वन प्लस टेन पाए बाय फोर माइनस एक्स डी एक्स राइट right? अब यहाँ पे क्या करेंगे हम यहाँ पर जीरो टू फाइव बाय फोर लॉग वन प्लस यहाँ हम टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा रहे हैं टेन ए माइनस बी का क्या होता है टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी ओके okay, ये सारे फार्मूलाज मैं आपको वापस से लिख देती हूँ कि बाय चांस अगर कोई एलेवेंथ का फार्मूला या है यूज़ हो रहा है या आपको लर्न नहीं है प्रेजेंट टाइम पे तो आप उसको लिख के साइड में मेमोराइज़ कर सकें यहाँ अप्लाई कीजिए वो फार्मूला ए इज़ माय पाई बाय फोर एंड बी इज़ एक्स तो टेन पाई बाय फोर माइनस टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन पाई बाय फोर टेन एक्स राइट एंड डी एक्स नाओ सिंप्लीफाई दिस द वैल्यू ऑफ टेन पाई बाय फोर इज़ वन ओनली सो इट इज़ वन प्लस वन माइनस टेन एक्स अपॉन वन सॉरी माइनस है और यहाँ पे प्लस होगा तो प्लस टेन एक्स डी ओके सो ये हो गया मेरे पास अब इसको मैं और थोड़ा सा सिम्प्लीफाई कर लेती हूँ सो आई इजिकल्स टू ज़ीरो टू पाई बाय फोर ओके तो इसको सॉल्व करेंगे हम लॉग सो इट इज़ वन प्लस टेन एक्स एल्शियम ले कर सॉल्व कर रहे हैं प्लस वन माइनस टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन एक्स डी एक्स दिस दिस विल कैंसिल आउट सो ये मेरे पास बनेगा लॉग टू अपॉन वन प्लस टेन एक्स नाउ टेक दिस एज इक्वेशन टू और इसे हम लेते हैं जो हमारा मेन क्वेश्चन था उसको इक्वेशन वन एंड अब हम कर देते हैं दोनों को ऐड तो ऐड करेंगे इक्वेशन वन एंड टू को तो मेरे पास आएगा इधर टू आई इक्वल्स टू जीरो टू फाइव बाई फोर लॉग वन प्लस टेन एक्स एंड हेयर प्लस लॉग टू अपॉन वन प्लस टेन एक्स एंड डी एक्स राइट नाव टू आई इज़ जीरो टू फाइव बाई फोर ओके लॉग ए प्लस लॉग बी इज लॉग ए बी यहाँ हम लगा रहे हैं लॉग की प्रॉपर्टी लॉग ए प्लस लॉग बी लॉग ए इंटू बी ओके तो यहाँ से ये मेरा कैंसिल हो जाएगा मुझे क्या मिलेगा टू आई इजिकल्स टू लॉक टू जो कि मैं इंटीग्रेशन से आउट ले सकती हूँ इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया मैंने लॉक टू को नाउ इसका इंटीग्रेशन करेंगे एंड जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ आई तो देखिए उसको मैं यहाँ करती हूँ टू आई इज़ इन द एल एच एस साइड टू आई है मेरे पास ठीक है ध्यान से देखिए टू आई है इजिकल्स टू लॉग टू डी एक्स जीरो टू पाई बाय फोर टू आई इज लॉग टू पाई बाय फोर माइनस ज़ीरो सो टू आई इज पाई बाय फोर लॉग टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाया और वी कैन से पाई बाय एट लॉग टू इज द वैल्यू ऑफ आई तो ये मेरा आंसर हो जाएगा तो यहाँ बस थोड़ी सी ट्रिक का यूज़ किया गया है जीरो टू एट लिमिट इज़ फाइन यहाँ पे बस जब लगाया तो टेन ए माइनस बी का यूज़ करना है आइडेंटिटी इसलिए मैंने किया कि जब मेरा ये सिंप्लीफाइड वर्जन में आएगा और फिर मैं दो इक्वेशंस को ऐड करूँगी तो ईजिली आई विल गेट द रिज़ल्ट तो ध्यान रखेंगे क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ये थोड़ा सा चेंज होकर एग्जाम में कुछ इस तरह से पूछ सकते हैं तो अपने आपने ये फॉर्मेट में किया होगा तो आप वो भी कर पाएंगे तो so स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नाइन जीरो से की प्रॉपर्टी इसमें भी यूज़ कर लेते हैं ज़ीरो टू टू इसलिए एक्चुअली देखिए जब एक रूट विदाउट रूट है ना तो अगर हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे ज़ीरो टू ए तो ये सिंगल हो जाएगा हमारा टर्म तो इसलिए बेसिकली मैं ये यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर ज़ीरो टू ए की प्रॉपर्टी तो ये एक्स है टू माइनस एक्स डी एक्स पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से आई लिख के कॉपी कर लीजिए अब यूजिंग प्रॉपर्टी यहाँ पे भी मैं ये वाली ही प्रॉपर्टी यूज करूँगी तो जीरो टू टू यहाँ मेरा एक्स को मैं रिप्लेस कर सकती हूँ टू माइनस एक्स से हेयर ऑल्सो एक्स इज रिप्लेसड बाय टू माइनस एक्स नाव जीरो टू 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 माइनस एक्स टू माइनस एक्स अंडर रूट माइनस प्लस एक्स ओके आई इक्वल्स टू ज़ीरो टू 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 माइनस एक्स एंड दिस इज रूट एक्स डी एक्स अब हम इंटू कर लेंगे और फिर इंटीग्रेट कर देंगे इसको टू रूट एक्स माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे आई विल गेट एक्स टू द पावर थ्री बाई टू डी एक्स अब देखिए इसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं आई इक्वल्स टू टू रूट एक्स डी एक्स टू टू ज़ीरो टू टू माइनस एक्स टू दी पार थ्री बाय टू डी एक्स ज़ीरो टू 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 एक्स टू पार थ्री बाय टू अपॉन थ्री बाय टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे एक्स रेस टू फाइव बाय टू अपॉन फाइव बाय टू ज़ीरो टू टू सो ये मेरा हो जाएगा फोर बाय थ्री अपर लिमिट टू की पार थ्री बाय टू लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा ये टू बाय फाइव टू uh, की पार फाइव बाई टू अब देखिए इसको आगे कैसे करेंगे इसको मैं लिख सकती हूँ टू रूट टू इसको मैं क्या लिख सकती हूँ टू की पार फाइव को टू की टू इन टू रूट टू लिख सकती हूँ सो दिस इज़ माई एट बाई थ्री रूट टू एंड दिस इज़ माई एट बाई फाइव रूट टू ये आ गया मेरा अब इसको और कैसे कर सकते हैं देख लीजिए ये यहाँ पे क्या एट रूट टू कामन ले सकते हैं सो आई कैन टेक एट रूट टू कॉमन आगे कुछ नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं एट रूट टू कॉमन एंड वन बाय थ्री माइनस वन बाय फाइव तो ये मेरा क्या हो जाएगा एल सी लेके फिफ्टीन फाइव माइनस थ्री टू बाय फिफ्टीन सो ये हो जाएगा सिक्सटीन बाई फिफ्टीन रूट टू इसको सॉल्व करके मल्टीप्लाई कर देंगे एट रूट टू से तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। सो हेयर वी हैव फिनिश्ड टिल क्वेश्चन नंबर नाइन ऑफ एक्सरसाइज 7.11। इन द नेक्स्ट एपिसोड वी विल डू क्वेश्चन नंबर टेन ऑनवर्ड्स। सो सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।